प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबर दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चाएं बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं यहां पर होने वाली है, वो होने वाली है निकाय चुनाव के बाद। अब व्यवस्थाओं पर, व्यवस्थाएं बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर अगर व्यवस्थाओं की हम बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि हमने हमेशा देखते आ रहे हैं कि चुनाव की रणनीति बनती है, व्यवस्थाएं बनती हैं, और उससे महत्वपूर्ण बात है कि जनता से संपर्क साधने के लिए जनता के लिए अभियान भी बनते हैं। जनसंपर्क अभियान, जनसभाएं, रैली, और इनके माध्यम से जनता जनार्दन को बताया जाता है कि हम क्या कुछ आपके लिए कर रहे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसके बाद बताने की जरूरत क्या है। जो करते हैं वो नजर आता है, पर जो नहीं करते हैं उसके लिए आपको बताना शायद जायज पड़ जाता है। तमाम मुद्दे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में, खासतौर से हम बात उत्तर प्रदेश की करें, तो यहाँ पर हर साल बरसात होती है, सरकारें यहाँ बदलती रहती है, बरसात का जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं बदल पाती है। हर बार जल भराव, हर बार बंद बजाती नालियाँ, हर बार सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर बार संक्रामक रोग भी फैलते हैं, और संक्रामक रोग फैलने की व्यवस्था इस समय ऐसी हो चुकी है कि बरसात ही नहीं बल्कि सर्दी के बाद भी, गर्मी के बाद भी यहाँ पर रोग फैलते रहते। कारण क्या है? गंदगी। कारण क्या है? बंद बजाती नालियाँ। कारण क्या है? मच्छर। कारण क्या है? डेंगू। कारण क्या है? आपकी अव्यवस्थाएं। हम हाउस टैक्स देते हैं, हम बाटा टैक्स देते हैं, हम सरकार को हर वो टैक्स देते हैं जो सरकार हमसे चाहती है, पर सरकार टैक्स के एवज में हमको क्या देती है वो आपको हमारे टीवी स्क्रीन पर नजर आता होगा, और अभी कुछ समय बाद मानसून आने वाला है, वो आपको रोड पर नजर भी आ जाएगा। तैयारियां क्या है? नालियों की सफाई कब होगी? क्योंकि यहाँ पर सभी पार्टियाँ केवल चुनावी व्यवस्थाओं में लगी हैं। भाई चुनाव महत्वपूर्ण है, 24 चुनाव है, और इसको लेकर यहाँ पर मेहनत होनी चाहिए, पर मेहनत के बीच जनता के मुद्दे हम कैसे भूल जाएं? और अगर आसमानी आफत के लिए, जनता के भलाई के लिए, बंद बजाती नालियों के लिए हम जैसे खबरन भी इस खबर नहीं उठाएंगे तो उठाएगा कौन? इसलिए आज महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मुद्दा ये है कि जल भराव हर बार होता है, मानसून आने वाला है, तैयारियाँ क्या है, जनता के बीच बेहतर करने की कवायद क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे सहूलियत देने की व्यवस्था क्या है। क्योंकि बात यहाँ पर स्मार्ट सिटी की करते हैं, पर व्यवस्थाएं क्या है ये सबको पता है। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, और महत्वपूर्ण चर्चा विषय में हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। कुछ समय में आपको रूबरू कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, और अगर राजधानी लखनऊ में हम जल भराव को नहीं रोक पाते हैं, राजधानी लखनऊ में हम डेंगू को नहीं रोक पाते हैं, राजधानी लखनऊ में हम बंद बजाती नालियों को नहीं रोक पाते हैं, राजधानी लखनऊ में हम गंदगी के अंबार को नहीं रोक पाते हैं, राजधानी लखनऊ में हम अगर सफाई को नहीं देख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रश्न उठता है व्यवस्थाओं पर, नगर निगम पर, और शायद सरकार पर भी। खैर, यहाँ पर सरकार केवल बीजेपी की बात नहीं करूँगा, जब जब सरकारें यहाँ पर बदली हैं उसके पहले भी हालत यही रहती थी, यानी मामला जस का तस रहता था, उसमें कोई बात सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा है और जनता ने भी देखा है। निकाय चुनाव हो चुके हैं, जनता ने अपने अपने वार्ड के प्रतिनिधियों को चुन लिया है, सभासदों को चुन लिया है। अब सभासद यहाँ पर कितना काम करते नजर आएंगे, सभासद कितना काम करेंगे वो सबको पता है। अगर काम होता होता, जनता के प्रतिनिधि उनके लिए काम करते होते, तो शायद जल भराव की व्यवस्था नहीं होती। पर इसके लिए केवल नगर निगम में जिंदा नहीं है, बल्कि वो सभासद, वो पार्षद, वो मेयर, वो चेयरमैन, वो सभी जिम्मेदार हैं जो इस महकमे को देखते हैं। चर्चा में महत्वपूर्ण मेहमान जो डूबुल काडू, नेता भाजपा से देशबंधु रिचल अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी अपनी बात रखेंगे, और अजरा मोमिन समाज सेवी ग्रुप में अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर पहला सवाल रहेगा देशबंधु भाई से रहे। देशबंधु भाई, चुनाव तो चल रहा है, अभियान भी चल रहा है, रैलियां भी होंगी, 80 लोकसभा क्षेत्र आपका लक्ष्य भी है, और 80 सीटें जीतने की आपने बात यहाँ पर कही है, पर यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि नगर निगम को यहाँ पर तैयारी करनी पड़ी, मानसून आने वाला है, और उसके बाद जो व्यवस्था आप देखते हैं सबके सामने रहती है, और जो मैं बात कर रहा हूँ वो फिर सबके सामने आने वाली है, कैसे देखते हैं? जसवंत भाई,
जवाब आपको देना है। आपको आपको आवाज आ रही है गौरव भाई? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। नहीं देखिए सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद जी आज, और प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार और चैनल पे बैठने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। देखिए जैसा कि आपने चर्चा की जल भराव की समस्या, तो उस पर यही गौरव भाई कहना, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और हम चाहे मानव स्वभाव में देख लें चाहे शहर या समाज में देख लें जी, तो सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। अच्छा, और इस बात पे मैं आपकी सहमत हूँ कि हाँ आकस्मिक बारिश में जल भराव, नगर निगम ही नहीं बहुत सारे विभाग इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर भी साफ सफाई की व्यवस्था निरंतर चलने वाली बात है जी। हम अपने अगर हम प्रारंभिक रूप से अपने घर से ही शुरू करें तो आपने देखा होगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी स्वच्छता पर बहुत जोर दिया, इससे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी स्वच्छता पर काफी जोर विचार जोरी दिया जाता है, होता कुछ नहीं है, जोरी मिलता है देशबंधु दीक्षित जी, होता कुछ नहीं है, दिखा दीजिए मुझे, मैं तो देखता हूँ कूड़े को हटा हटा फोटो भी खींची जाती है, होता कुछ नहीं है जी। गौरव भाई जी, जी मैंने आपसे कहा ना यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, अगर आपको निरीक्षण परीक्षण कहने जाए जी, तो अगर स्वच्छता पे आप कभी मूल्यांकन करेंगे जी, तो कुछ न कुछ आपको कमी जरूर महसूस होगी जी। और जो जल भराव आपने कहा ये समस्या मैं मानता हूँ कि है बहुत जी, लेकिन आपने देखा होगा शहर आजकल गांव भी 88 गांव जुड़े हैं शहरों में, और आप देखें सभी कस्बों शहरों में नगर पंचायतें या नगर पालिका या नगर निगम देखें जी, आप धीरे धीरे देख रहे हैं ग्रामीण जो है अंचल जो है वो धीरे धीरे शहर में ही समाहित होता जा रहा है। अच्छा, या हम कह सकते हैं गांव उसका विकास होते होते वो कब अर्ध नगरीय शहर में और कब पूर्ण शहर में तब्दील हो जा रहे हैं, ये कुछ समय बाद आदमी धीरे धीरे चलता रहता है और सतत प्रक्रिया में समायोजित होता रहता है। अच्छा, तो उसकी जो है कार्यबद्ध योजनाएं हैं, अब अच्छा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार चुनी है और पिछले 10 वर्षों से रही भी है, 15 अच्छा, वर्षों से, तो 2-3 दशक से जब से हमने देखा, तो आपने देखा होगा ये जो प्रक्रिया चल रही होगी आपने भी महसूस किया होगा। अच्छा, शहरों में जैसे आपने यातायात गौरव भाई यह कोई साफ सफाई में कोई डेडलाइन नहीं होता। अच्छा, यह प्रति क्षण प्रत्येक समय होती अच्छा, रहती अच्छा, है।, अच्छा, ठीक है। और आपको बता दे जैसा कि आपने कहा ये जरूर हम ध्यान में रखते हैं कि बारिश का मौसम आने वाला है और बारिश जैसे बारिश से पहले ही अगर जल भराव और जल निकासी और स्वच्छता की समस्या को हम अनवरत रूप से अभी शपथ लेने वाली सरकार आप देखिएगा जैसा कि चलता आ रहा प्रक्रम, और अभी आपने देखा हम अपने शहर लखनऊ की बात करें तो स्वच्छता में भी रैंकिंग में काफी हम ऊपर उठे हैं। अच्छा, तो सुधार उठ रहा है और निस्संदेह देखिएगा आने वाले समय में हम सफाई पे भी एक नए मानक सिद्ध करके लखनऊ को देश में सर्वोच्च। मैं उम्मीद करूंगा पर मेरे लिए फिलहाल ये अच्छे प्रश्न है, रविन भाई मेरी बात पर मुस्कुरा दिए, रविन भाई अच्छे प्रश्न है ना मेरे लिए, वो शायद आपके लिए भी, जनता का आप भी हैं रविन भाई। बोलना अलग बात है, आंकड़े दूसरी बात है, दिखाई पड़ना तीसरी बात है जी। मैं 2022 की बात करता हूँ जी, तब लखनऊ नगर निगम की परिधि 310 किलोमीटर थी। उस 310 किलोमीटर की परिधि के लिए 12,000 सफाई कर्मी रखे गए थे, वो भी संविदा पे। उसमें से एक बार 1500, दूसरी बार 3000 सफाई कर्मियों की छटनी कर दिया नगर निगम ने। तो आप 310 उस समय की 310 किलोमीटर की परिधि, आज के समय ये परिधि बढ़ के 568 किलोमीटर हो गई है। अच्छा, अब 568 किलोमीटर परिधि को साफ करने के लिए कम से कम 2500 कर्मी चाहिए। अच्छा, जिसमें से लगभग आप 5000 खत्म कर चुके हैं, मतलब 7000 कर्मी हैं आपके पास सफाई कर्मी। अच्छा, वो भी किस चीज पे है, संविदा पे है। अच्छा, फिर अभी ये कर्मी आपने हटाए जी, तब तक जो चीनी कंपनी आपके यहाँ काम करती थी इको ग्रीन, उसको हटा दिया, जो डोर टू डोर जाके लेती थी जी, कूड़ा के निस्तारण के लिए उस कंपनी ने 64 कंपैक्टर लगाए थे जी, कंपैक्टर जाम करके भाग गई जी, आज तक उसकी कोई व्यवस्था नगर निगम नहीं कर पाया। ढूंढ रही होगी सरकार, ढूंढ रही होगी क्योंकि उसके पास मैन पावर ही नहीं है। अच्छा अच्छा, लखनऊ अगर पूरे शहर को देखिएगा
तो गोमती जी छोड़ दीजिए, तो 28 बड़े नाले हैं, 500 मझोले नाले हैं और 1200 नालियां हैं जी। पिछले साल इनकी सफाई पे 45 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, पूरे शहर पूरा शहर पानी से भरा हुआ था। अच्छा, अब ये बात आए कि ये जो काम है वो दो दो फेज में करते हैं, एक सिंचाई का अभियंता करता है, एक नगर निगम के सफाई कर्मचारी करते हैं जी। अब इसके बाद एक और एक एक बहुत बड़ा घपला हो गया। अच्छा। जो कर्मचारी बचे उनका 64 करोड़ रुपए का पीएफ हड़प लिया, वो जो कंपनियां थी सफाई कर्मचारी सफाई के लिए लगी हुई थी। तो ऐसा कोई मोटिवेशन फैक्टर लखनऊ निगम में नहीं था कि लोग काम करें, केवल अधिकारी वो काम करते थे जो पर्ची काट काट के और पैसा ठेकेदारों से मिलके हड़प करते थे। अब लखनऊ को अगर स्वच्छ करना होगा तो 2500 कर्मचारी रखने पड़ेंगे, और जो परिधि बढ़ी है उस परिधि बढ़ने के नाते 88 गांव बढ़े हैं जी। उस 88 गांव में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं आई है अभी तक, यहाँ तक कि मास्ट लाइट नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि उसमें से काफी गांव पंचायतों में आते थे, उनके साथ भी कुछ भी नहीं किया गया। पंचायतों में थे तो कुछ पार्षद हुआ करते थे पंचायतों के, उनसे कुछ लोग काम करा लेते थे। और इन 88 गांव में लगभग 500 लोग 500 परिवार रहता है, 6000 की आबादी है। अच्छा। ना तो यहाँ की सड़क बनी है, ना मास्ट लाइट लगी है, ना नालियां बनी है। अरे टैक्स जाएगा और बरसात, रमन भाई मारे टैक्स जाएगा, टैक्स मिलेगा सरकार को, टैक्स सब जगह दुगना कर दिया है। यहाँ तक रेडी वाले का टैक्स लगा दिया जिसपे नहीं था, 1400 रुपए कर दिया जी। अगर आप अपने घर के सामने ट्रक खड़ा करते हैं तो 4000 रुपया देना पड़ेगा जी। अगर गाय पालते हैं तो 30 रुपए से बढ़ा के 500 रुपया कर दिया, कुत्ता पालते हैं तो 500 से 1000 रुपया कर दिया गया है। अच्छा। और जो लोग अपने घर में EWS में एक कमरे में दुकान चला के अपने घर का खर्चा पालते थे, उनको नगर निगम ने कमर्शियल घोषित कर दिया। अच्छा, है। अच्छा, जी, ये सब काम तो पिछले साल कर चुकी थी। बात यह है कि अब जो अब इनके पास मैन पावर नहीं है, वित्तीय संकट है इनके ऊपर। अच्छा अच्छा, ये नगर निगम का कहना है। अच्छा रमन भाई, इनके ऊपर वित्तीय संकट है। मेरा सवाल रहेगा, मेरा सवाल रहेगा सरकार की, आप कह रहे हैं सरकार यहाँ पर नाकाम हो चुकी है, इस सब्सिडी की बात करती है और यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं नहीं, टैक्स लेती है बढ़ाती जा रही है, सब यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, 88 गांव जोड़ लिए पर यहाँ पर सुविधा कुछ नहीं है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर मैंडेट सरकार को सरकार बनाने के लिए दिया गया बीजेपी को, तो समाजवादी पार्टी को विपक्ष का भी मैंडेट मिला है, तो आपको ये लगता है कि विपक्ष को सरकार की नींद खोलने के लिए आगे आना चाहिए? विपक्ष अब तक मेरे ख्याल से चुनाव में लगा हुआ है, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर आप जनता की बात सुनेंगे, अगर जनता परेशान है संक्रामक बीमारी से या बदबदाती नालियों से या गंदगी से, सरकार पे आरोप लगाना बहुत आसान है पर सरकार की नींद खोलने काम भी विपक्ष को करना पड़ेगा। भाई हम जैसे खबरन भी जगह पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो शायद जिम्मेदारी आपकी भी, मैंडेट आपको ही मिला है, भले ही विपक्ष का मैंडेट मिला है पर मैंडेट ये भी है, तो आप कब इसके लिए रोड पर उतरने वाले हैं? क्या कोई रणनीति बनाई है या केवल यहाँ पर चुनाव के लिए रणनीति बनेगी? केवल बीजेपी बना रही है, आप भी बनाते रहिए, जनता की सुन लेने वाला कोई नहीं है। रमन भाई, हम रणनीति बना के ही नहीं, पहला पहला अटेम्प्ट कर चुके हैं। अच्छा, जो नई मेयर महोदया आई हैं, अच्छा, उनको डॉक्यूमेंट के साथ में इस 88 गांव का विवरण ज्यादा है, तभी ये डॉक्यूमेंट हम लोगों ने इकट्ठा किए हैं। अच्छा, उनको दे दिए गए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा व्यवस्था होगी। अच्छा, तो मैं तो बाहर हूँ, जो सज्जन गए थे हमारी पार्टी से उनसे कहा गया कि हम आपकी जो बजट है वो पूरा का पूरा लेके आएंगे। पूछा गया उनसे कि भाई आप ये बताइए जो पिछले साल 2 अरब का बजट था वो कितना आया था, वह बता पाने में असमर्थ थी, भूल गई होंगी, अधिकारियों को बुलाने के बाद भी बता पाने में असमर्थ थी वो। अच्छा अच्छा, 2 अरब में से कितना आया, तो इसपे हम कर चुके हैं। इसका करते करते समय दो बागी पार्षद भी थे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ में। अच्छा अच्छा, तो इसका इसका वार्ड वाइज हमें करना पड़ेगा, जिसकी रणनीति पूरी तरीके से बन के तैयार है। अच्छा, क्योंकि ऐसे जाके बिना मतलब हल्ला मचा के और बीजेपी की तरह अखबार में छपवा देने से कुछ फायदा नहीं है। अच्छा अच्छा, हमें वार्ड वाइज इकट्ठा करना पड़ेगा। अभी क्या था, ये लोग 170 करोड़ रुपया लिया आखिरी बजट में इन्होंने। अच्छा अच्छा, फिर प्रशासक के पास में आया, 77 करोड़ रुपया प्रशासकों ने ले लिया। अच्छा, लेकिन सड़कों की हालत जस की तस है, तो जब तक हमारे पास रिपोर्ट ना आ जाए, अब तक हमारे पास सड़कों की करीब 300 फोटो आ चुकी है। अच्छा, आ जाएंगे, जारी करेंगे। रोड पे कब बैठेंगे रमन भाई जी? रिपोर्ट दे दी है, सब कुछ कर, रोड पे कब बैठेंगे जनता के लिए?
जब सारी रिपोर्ट आ जाएंगी उसके बाद जनता पे उतरेंगे। पहले तो वार्ड वाइज उतरेंगे जी। वार्ड वाइज उतरने के बाद में अगर कुछ बदलाव आता है तो ठीक है, बदलाव आए तो ठीक है, बरसात हल्ला बोल कब होगा। फिलहाल हल्ला बोल अभी नजर नहीं आ रहा, कब होगा पता नहीं। ठीक है सही ममता की भी, आप लोग लगातार तमाम मांगों को उठाते रहते हो, जनता के मुद्दों के लिए लड़ते हैं, पर मैं देख रहा हूँ अभी कुछ समय से लड़ाई आपकी बिल्कुल द्विस्तरीय हो गई है। कभी लड़ाई सीज मेल पर होती है, कभी ये लड़ाई सिसोदिया पर होती है, कभी ये लड़ाई आबकारी विभाग पर होती है, कभी ये लड़ाई संजय सिंह के नाम पर होती है, तो कभी ये लड़ाई निकाय चुनाव के नाम पर होती है। पर मैं सोच रहा था कि शायद वो लड़ाई जो अब तक नजर नहीं आई है, जो हमारे प्रदेश में व्यवस्थाओं के लिए लड़ी जाती थी। एक समय होता था हमारे नेता भरी बरसात में आधे आधे पैरों के साथ जनता के लिए संघर्ष करते नजर नहीं आते थे, वो लड़ाई शायद नजर नहीं आ रही है। और मुझे लगता है वो लड़ाई अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे तो हम जैसे खबरन भी जरूर लड़ेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप लड़ लीजिए, हम लड़ेंगे। ताकि भाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पार्टी लड़ नहीं पाती वो आगे चल नहीं पाती जी। जो लड़ेगा नहीं वो आगे खड़े हो जी, खड़ा नहीं हो पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा जी। और लड़ना, लगातार लड़ते रहना, जनता की आवाज उठाते रहना बहुत जरूरी है। जो लड़ता है वही दिखता है, वही संघर्ष करता है, जनता उसी के ऊपर इंतजार करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह से पिछले कई सालों से लगातार अपनी ताकत गलत इस्तेमाल करके जनता का गला दबाया है, जनता का गला दबाया है। तो उससे जो है उससे जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। आप देखिए नगर निगम के चुनाव का रिजल्ट आए हुए 13 मई को रिजल्ट आया था, आज 25 मई हो गई है, 12 दिन हो गए, अभी तक हमारी लखनऊ की मेयर जो है शपथ नहीं ले पाई। अच्छा, काहे की शपथ लेनी, कैसी शपथ लेनी, 28 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में कई जगह पे हो गए, लखनऊ में मेयर जो है वो लखनऊ बीजेपी की है, उनको इतने दिन लग रहे हैं शपथ लेने में, जबकि जो हमारे आम आदमी पार्टी के चेयरमैन जो सभासद जीते हैं उन्होंने अपने क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया है। बिजनौर में फैसल वारसी साहब जो चेयरमैन का चुनाव जीते हैं उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगाना शुरू कर दी, उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी, मैंने एक बार दिखाई भी दी आपके चैनल के ऊपर, तो वहाँ काम होना शुरू हो गया है। 24 घंटे के अंदर वहाँ 48 घंटे अंदर काम होना शुरू हो गया, लोग सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, अपना काम में लग गए हैं। अच्छा, हमारी मेयर साहिबा अभी तक शपथ नहीं ले पाई। अच्छा, इतना देर ले रही शपथ लेने में, कोई राजा का राजाभिषेक होना है। अच्छा, अरे आप जनता की नौकर है, जनता के लिए चुना है आपको, आपको पहले जैसे ही आपको पता चला कि आप जीत नहीं, आप काम शुरू करना चाहिए था। अच्छा अच्छा, और मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ 28 साल में लगातार लखनऊ के मेयर के रूप में बीजेपी जीती है। अच्छा, लेकिन लखनऊ की जनता को बीजेपी ने दिया क्या है? अच्छा, डेंगू दिया है, बजबजाती हुई नालियां दी है, चोक करते हुए फीवर दिए हुए है, चिकुनगुनिया दिया हुआ है, टाइफाइड दिया हुआ है, कूड़े हर जगह आप कूड़े के ढेर नजर आएंगे और हर जगह आपको बीमारियां दिखाई देंगी। और आप चले जाइए जहां से बड़े बड़े बीजेपी के नेता चुने गए, जो बड़े का नाम है, वहां पे जो स्कूल है नगर निगम के वो टूटे हुए हैं, चिकित्सा व्यवस्था वहां ध्वस्त हुई पड़ी है, अब दवाएं अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है। तो बीजेपी जो जीत रही चुनाव वो अपने लिए जीत रही है, जनता के लिए नहीं जीत रही है। अच्छा, जनता तक तो सुविधा पहुंच नहीं रही है। अच्छा, इतना ज्यादा बजट आता है, इतना पैसा आता है, सब कहां जाता है? अच्छा अच्छा, वो एक सवाल था कि भाई मेरा सवाल रहेगा, तो उत्तर प्रदेश में आपके 4 नगर पालिका आप जीते हैं, 7 नगर पंचायत जीते हैं और 100 से ज़्यादा पार्षद जीते हैं, बधाई हो आपको, अच्छा आंकड़ा आपके लिए है। तो यह मॉडल कौन सा लागू करें, दिल्ली वाला कि उत्तर प्रदेश का नया मॉडल सोचा है? कि दिल्ली मॉडल तो आपको बताते जी, खुशी हो रही है कि हमारे 100 से ज्यादा सभासद जीते थे। हाँ, बधाई दे दिया, 100 सभासद जो है जी, 150 सभासद जो है आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश में हो गए हैं जी, 50 अंदलों से, और जो स्वतंत्र रूप से जीते उन्होंने निर्दलियों ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी के 150 सभासद हो गए, और जहां जहां आम आदमी पार्टी जीती है वहां वहां हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, दिखाएंगे कि काम कैसे होता है, सफाई कैसे होती है, जनता के हित में काम कैसे होता है, सड़कें कैसे बनती है, नालियां कैसे बनती है, सफाई कैसे होती है, भाई मेरा सवाल था आपसे, और हर संघर्ष करेंगे भाई। अगर नाली में गटर में आम आदमी पार्टी के व्यक्ति को उतरना पड़ेगा साफ करने के लिए, अच्छा अच्छा, हम गटर में उतर के सफाई करेंगे, नाली में उतर सफाई करेंगे, दिल्ली सफाई कब करेंगे, दिखाएंगे लोगों को कैसे, दिल्ली में सफाई कब करेंगे, दिल्ली में सफाई काम शुरू हो गया जोर तोर से। अच्छा, और दिल्ली के अंदर जो है हमने कूड़े को हटाना शुरू कर दिया वहाँ से। अभी आपके मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक मुझे को दिखे थे कूड़े के पहाड़ के पास जा रहे थे, तो हरे रंग की कॉर्पेट बिछवानी पड़ी थी, मैं पूछ लिया थोड़ा, आपको मैंने फोटो देखी होगी, मेरे को याद है आपको क्या? देखिए कूड़े के पहाड़ 15 साल से जो नगर निगम में बीजेपी रही है दिल्ली में, अच्छा, उसका परिणाम था। अच्छा, और वो लगातार वहाँ जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उसको सवाल करने के प्लान बनना शुरू हो गया, बन भी गया है काफी हद तक। अच्छा, तो आपको आने वाले 2-3 महीने में इम्प्लीमेंट होते दिखाई भी देगा। ताकि भाई बीजेपी लगातार बैकडोर से जी वहाँ के जो चेयरमैन है, वहाँ के जो सभासद है, वहाँ के जो
आपके नगर निगम के अध्यक्ष उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश में लगी रहती है। मेयर में देखिए कितनी परेशानी की बीजेपी ने, जबकि इनके पास जो है उतना समर्थन नहीं था, इतने इनके पास वहां पर समर्थन नहीं था, उसके बाद भी ये कह रहे थे मेयर हमारा बनेगा। चलिए, और मेयर बनने में किस तरह की हिंसा हुई आपने देखा पूरी दुनिया में, मेरा सवाल आपसे है कि आपने अभी बताया कि आपकी जो चेयरमैन जीत कर आई है वहां पर लाइट लगनी शुरू हो गई है। 4 दिसंबर 2022 को दिल्ली में चुनाव थे और 7 दिसंबर 2022 को उसके परिणाम आ गए थे, और जद्दोजहद के बाद 15 साल बाद आप जीत कर आए हैं, बीजेपी की 2 साल खत्म कर दी आपने दिल्ली एमसीडी से, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम जद्दोजहद संघर्ष के बाद 22 फरवरी 2023 को आपकी मेयर बन गई। 1 साल के लिए पद होता है, अब इसको 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने में क्या कुछ आपने वहां पर किया है, क्या कूड़े के ढेर हटे हैं, क्या स्ट्रीट लाइट बेहतर हुई है, क्या यमुना साफ हुई है, क्या पानी का स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, और जो दिल्ली मॉडल की आप बात करते हैं जहां पर आप तीसरी बार सरकार बना के बैठे हुए हैं, एक कैसा मॉडल आपने पेश कर रहे हैं जो जनता को दिखाई दे? देखिए, दिल्ली में आपने झीलों जो झीलें गायब हो गई दिल्ली से, उन झीलों का फिर से निर्माण करना शुरू किया, और पानी के लिए हम दिल्ली को पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। हमने वहां 35 से 40 नई झीलों का निर्माण किया जहाँ पानी संचय होना, पानी रुकना शुरू हो गया। चलो ठीक है, हो गया। दूसरी बार हमने नालियां बनाना शुरू कर दी, यमुना का सफाई अभियान शुरू हो गया है। अच्छा। आपको 2-3 सालों में यमुना काफी साफ दिखाई देगी। जी गौरव भाई, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ डेंगू की तरफ। अच्छा, पहले दिल्ली में डेंगू बहुत होता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो डेंगू के खिलाफ अभियान चलाया, हर हफ्ते अभियान चलाया, पानी बदलो, बधाई की पात्र है, बधाई की पात्र है आपकी पार्टी, बधाई की पात्र है। लेकिन जी, दिल्ली में जो है, दिल्ली में डेंगू से तब से एक मरीज नहीं मरा है। अच्छा। इससे पहले डेंगू से बहुत मौतें होती थी, लेकिन जब से हमने अभियान चलाया है डेंगू के खिलाफ, तब से दिल्ली जैसे शहर, ठीक है ठीक है, हो गया, दिल्ली 2 करोड़ आबादी है, ठीक है, देर रात दुरुस्त हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अजरा मोमिन लखनऊ में रहती है, अजरा जी सब चीज से वाकिफ है, कोई चीज छिपी नहीं है, समाज सेवी है और हमेशा स्लम एरिया में काम भी करती रहती है, क्या आपकी स्थिति है, क्या आपका मूल्यांकन है कि यहाँ पर टैक्स भी दिया जाता है और सरकारें यहाँ कई रही हैं, बसपा सपा कांग्रेस भाजपा, भाजपा दूसरी बार यहाँ पर कार्यकाल शुरू कर चुकी है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर जनता केवल केवल त्राहिमाम के लिए बैठी है, सभासद भी बनाती है, वोट भी करती है, और शायद इस बार राजधानी लखनऊ में वोट परसेंटेज बड़ा कम रहा है, मैं 36% वोट परसेंटेज रहा है, कारण क्या है कि जनता अब देखना ही नहीं चाहता, वोट करना चाहती है क्योंकि होना कुछ नहीं है। जी देखिए गौरव जी, जैसे भी आपने कहा कि जो बारिश का मौसम आता है, तो आलम ये हो जाता है कि अगर एक वक्त भी जरा सी 2 घंटे की बारिश हो जाएगी जी, तो अलीगंज जैसा पौश इलाका, इंदिरा नगर जैसा पौश इलाका, ये ऐसा लगेगा आपको कि पूरा झील में तब्दील हो गया है। मेरे मोबाइल में फोन है, अभी बारिश हुई थी तो पूरा लबोलब एकदम पूरा शराबोर थी रोड, और लोग निकल नहीं सकते थे, यानी कि मेरे घुटने से नीचे तक खुद पानी था। और एक चीज अब मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछली बार जब बारिश हुई थी तो जो हमारे यहाँ की मंडलायुक्त हैं वो खुद पानी में निकल के गई थी, देखिए रोशन जैकब जी, और उन्होंने बहुत सक्रियता से मतलब खुद जाकर के उन्होंने उस चीज को संज्ञान में लिया, लेकिन कहीं मेयर जी का रोल मुझे नजर नहीं आया कि उस बारिश में कहीं मेयर जी ने भी उसको संज्ञान में लिया होता। और जगह जगह जो गड्ढे की प्रॉब्लम है उससे जल भराव बहुत हो जाता है, और विकास की अगर बात देखी जाए तो आप साहब पौश इलाका छोड़ करके, गोमती नगर अलीगंज जैसा इलाका छोड़ करके आप विकास देखना है तो पुराने लखनऊ साइड निकल जाइए, उन गरीब बस्तियों में निकल जाइए, आपको विकास की पूरी साफ साफ एकदम तस्वीर नजर आ जाएगी। कैसी बात कर रही है, बजबजाती हुई नालियां, बजबजाती हुई नालियां, बुरी तरीके से खुली नालियां, पानी का उनके पास सही इंतजाम नहीं। अभी देखा था कि डेंगू इस कदर वहां पिछले साल फैल गया था कि त्राहिमाम मचा हुआ था लोगों में, पब्लिक परेशान थी, और स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर आलम देख लिया जाए तो वो भी उनके पास नहीं मौजूद थी, लोग बच्चे ऐसे घरों में 3-3, 4-4 बच्चे डेंगू से ग्रसित थे, लेकिन कोई उनका इलाज नहीं रहा। और मुझे लगता है ये खाली दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, भाषण तो बहुत अच्छा लगता है देना, लेकिन जब जमीनी हकीकत को देखने की बात आती है तो साहब कोई नजर नहीं आता है। मैं अलीगंज की बात करती हूँ आपसे, अलीगंज में ऐसे ही बारिश हुई बहुत तेज, पूरा एकदम समंदर बन गया था, अलीगंज का ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले लोग फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट करने लगे थे, घरों में इस कदर पानी आ गया था। हुआ क्या, जो पाइपलाइन वगैरह थी वो सब भी बालू वालू जाने की वजह से ब्लॉकेज हो गई, पूरा पूरा अलीगंज जैसे इलाके में 1 महीने जो वाटर सप्लाई होती है
पानी नहीं आया है, वहां पर पीजी जो बच्चे थे स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने हमको कॉन्टेक्ट किया कि दीदी ऐसा है पानी नहीं आ रहा बताइए, पार्षद को फोन किया जाता है भाई अब मशीन अभी ठीक नहीं हो, इंजीनियर को फोन किया जा रहा है भाई अब हम क्या करें अभी नगर निगम से इक्विपमेंट नहीं आया है, बताइए एक महीने अलीगंज जैसे पौश इलाके में पाइपलाइन से पानी ना आना, ऐसे पौश इलाके में जहां बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं हॉस्टल बना के रहते हैं लेकिन परेशान, उनका तो कोई गार्जियन भी नहीं था, हम जैसे समाज सेवी लोग बाहर निकल के अपने घरों से या बाहर से कहीं से पानी खरीद करके उनको प्रोवाइड किया जा रहा था, तो ये है विकास की दशा। भाई कुछ चुनाव छोड़कर आप थोड़ा सा जनता पे भी ध्यान दे रहे हैं, जनता ने आपको यहाँ पर मैंडेट बढ़ा दिया है, 17 मेयर जिताए हैं और कम से कम उम्मीद करेंगे 17 नगर निगमों में तो इस बार विकास की गंगा जरूर बहेगी। काम आपने किया है, काम में कोई दोराय नहीं है, संघर्ष भी कर रहे हैं मेहनत भी कर रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं बोल सकता है, पर एक जो प्रक्रिया आपने बात बोली शुरुआत में, ये प्रक्रिया कितने लंबे समय चलेगी कि जनता को समाधान चाहिए, आपका दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, जनता ने 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर आपको यहाँ पर मैंडेट दिया है, पर मैंडेट का अब आपको यहाँ पर अनुसरण करना पड़ेगा देशबंधु भाई, और अब शायद समय आ गया है कि कुछ धरातल पर भी काम करके दिखाएं कि जनता को बहुत लंबे समय तक आप सहूलियत से वंचित नहीं रह सकते। जी देशबंधु भाई। नहीं गौरव भाई, जनता जनार्दन ने जो मैंडेट दिया उसका सम्मान करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं, उन्होंने आशीर्वाद दिया जी। और देखिए नगर निगम में आपने देखा अभी जैसे इन्होंने अलीगंज की बात की जी। तो मैं जो भी महिला मित्र हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी विकास कार्यों को आप देखिए, अतिक्रमण की समस्या आप लेती है नगर निगम की, आपने देखिए पुलों का जाल बैठा लिया, अब लखनऊ में आदमी कहीं भी चलता है तो आदमी को ये लगता है हाँ पुल बन रहे हैं, आप अलीगंज से देख लीजिए यहीं पे टेढ़ी पुलिया से लेके पॉलिटेक्निक देखिए तो वहां जब हम जमीन पर चलने लैब रह जाएंगे ना आने के लिए, और दूसरी बात नहीं दूसरी बात आप बताएं, मैं बात तो फ्लाईओवर की तब करूंगी, पहले जो जमीनी हालात है जब घर से निकलने का ही हमको रास्ता नहीं मिलेगा तो हम फ्लाईओवर पर जाएंगे कब, आप जो गलियों के रास्ते हैं उसको ब्लॉक कर देंगे तो साहब मेरे यहाँ तो हेलीकॉप्टर नहीं आ जाएगा ना, क्या आप हमको लेके उड़ा देंगे, फ्लाईओवर की बात मत करें आप, पहले आप पहले जो पूर्वक मेरी बात सुनिए, अगर आप बात नहीं सुनना चाहती हैं तो समाधान नहीं होगा, बोले, बोले, बोले। और इस तरह बहस करके एक दूसरे को इंटरप्ट करके किसी भी चीज का, और रही बात आप बात करिए, देखिए आप महिला हैं, आप एक घर बनाती हैं, क्या घर में स्वच्छता करती है तो आप अपने मूल्यांकन करके 100 में 100% नंबर दे देती है, नहीं देती है, मूल्यांकन दूसरा कोई करेगा तभी उसका 100%। और ये बात बताइए घर बनता है तो क्या उसमें विकास की प्रक्रिया नहीं होती, आप एक मंजिला बनाया होगा आपने दोबारा 2 मंजिला होगा, इसलिए लखनऊ शहर भी एक हमारा परिवार एक घर है, और घर में कई जगह बनता है टूटता है बिगड़ता है, तो सुधार की प्रक्रिया हमेशा, मैंने आपसे गौरव प्रथम अंश में भी कहा था विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और दूसरी बात 28 साल हो गए साहब, कितना वक्त लेगी गवर्नमेंट, 28 साल मायने रखते हैं, 28 साल में दो पीढ़ियां गुजर जाती हैं, जी आप सुनिए 28 साल में लखनऊ का बहुत विकास हुआ है, अरे मैंने तो आपको तस्वीर बता दी, मैंने आपको जीती जागती तस्वीर साथ दिखाई है, हमारे पूर्व के नगर विकास मंत्री और वर्तमान के नगर इस सजेशन को आप सुधार की तरफ ले जाए ना, आप इसको अदरवाइज क्यों ले रहे हैं, अगर मैं आपको सजेशन दे रही हूँ की ये समस्याएं वहाँ पर है तो आपको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, मैंने जीती जागती तस्वीर आपको बताई है, आपको नजर नहीं आता, मैं मुझे बिल्कुल नजर आता है, मेरे पास पूरे मेरे वीडियो में मेरे मोबाइल में वीडियोस मौजूद है, जो लोग गतिरोध किए अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे 1500 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, हाँ। तो जो शिथिल होंगे काम की मूल्यांकन करने के बाद सरकार समझती है तो उनको निकाला जाता है, और मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं अभी स्वच्छता में लखनऊ का क्रमांक कहां था विपक्षी सरकारों में, और आज कहां के क्रमांक है, आज हम प्रथम 10 की लड़ाई में लड़ रहे हैं, और आप देखिएगा समय के साथ साथ, और गौरव भाई आप बता दें ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान का अधिकारी था, 88 गांव है, किसी चीज को सुधारने में किसी चीज को विकसित करने में समय लग जाता है, एक बच्चा पैदा होगा तो ऐसा नहीं हो सकता, साफ कम से कम सुधारीकरण करवा दिया होता, सुधार की बात है नगर निगम के अधीन आता है, कम से कम कुकरेल नाले को ही सुधारीकरण करा दिया गया होता, विकास की बात इस पर कीजिए ना, देखिए कितने सारे रोडें पास हुई है, पानी भरा ये बात अलग है, पानी कितनी देर में गायब हो गया ये बात अलग नहीं, और पानी के टैंकर हमेशा सुविधा में, रही बात कुत्ते की तो आप जानती हैं जानवर का शौक होता है, जानवर के प्रति भारतीय भारतीय जनता पार्टी ने भी एक नियम कानून बनाया, आदमी कहता था भाई शावक आते हैं, अच्छा जानवर
समझदार नहीं होता है, वो कहीं भी पोटी कर देता है, उसके लिए भी एक नियम अनुसार है, आप लाइसेंस बनवाइए, पालिए, किसी ने गौशाला है, गौशाला के लिए भी शहर के 12 स्थान है। अतिक्रमण हटाने के लिए आप देखें पुलों का जल माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बनी रहा है और नित नई रास्ते भी बन रहे हैं। और यही बात आरोप प्रत्यारोप अभी देखिएगा, कल हमारी शपथ लेगी सरकार और उसका मूल्यांकन। और आपने जो 28 वर्षों का बार बार जिक्र किया, 28 वर्षों में जनता भी देख रही है देश के विकास हो ही रहे हैं। और हमारी जहां लखनऊ शहर की बात है, वहां नित नई रोडें बन रही हैं। हाँ, रोड बिगड़ती है, बनती है, क्योंकि आपको बता दूं सुधार प्रक्रिया है, किसी का घर बन रहा है, नाली टूट गई तो नाली का पुनर्निर्माण भी हो रहा है, कहीं पे लगता है अतिक्रमण हो रहा है, नई सड़कें बननी चाहिए, टूट फूट तो वो भी मरम्मत हो रही है। कल हमारी शपथ लेगी नई और पुरानी भी माफ, और उससे पहले भी माफ हो रहा है। और सुनिए, जनता जनार्दन ने पिछली बार हमें 58 सीट थी, अब 80 सीट थी, इसका मतलब विकास से उनको लगता है सफा विकास नहीं करते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का जब वहाँ पार्षद होगा तो जनता को भी लगा कि विकास का जो पहिया चल रहा है, हो सकता है इनको प्रतिनिधि बनाए और आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक बार बता दिला दूं, कुकरेल नदी का नाम सुना है आपने? कुकरेल नदी जी, वो बक्सी तालाब के अस्थि गाँव के कुएं से निकलती है, 16 किलोमीटर की यात्रा होती है और बक्सी तालाब से यात्रा करते हुए वो गुमती में आके विलीन होती है, मिल जाती है। पर वो कुकरेल नदी अब नाला बन चुकी है। दिसंबर 2021 में इसके लिए उस समय के वर्तमान नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने एक शिलान्यास किया था और कहा था रिवर फ्रंट की तरह कुकरेल जो नदी है इसको भी नाला जो बन चुका है इसको नाला नहीं बल्कि नदी के रूप में विकसित किया जाएगा। बड़ी योजना थी, लाखों की योजना थी, करोड़ों की योजना थी, पर मामला लाख के पास, योजना भूल गए या ध्यान नहीं दिया या चुनाव की जद्दोजहद में इतने बिजी रहे कि वो नदी आज भी नाला ही बनी हुई है। कब काम होगा? और अगर सतृत प्रक्रिया चल रही है, काम चलता रहता वहां पर, मैंने देखा है, पर ये प्रक्रिया खत्म कब होगी? क्योंकि हर काम की एक डेडलाइन होती है, अगर सरकार चली गई तब कैसे करेंगे? क्योंकि यहां पर जनता जनाधार देती रहती है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है अगर जनाधार मिला है तो शायद कुकरेल को भी रिवर फ्रंट बनाने की बात यहाँ कही गई थी। मैं दिसंबर 21 की बात कर रहा हूँ और 22 में आपकी सरकार दोबारा आ गई। जी रिजवान भाई, गौरव भाई, आपने जो इस बिंदु को उठाया इस पर मैं यही कहना चाहूंगा, आप यह जान लीजिए सपा की सरकार में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रिवर फ्रंट और रिवर फ्रंट के नाम पे करोड़ों की बंडर बात हुई और गोमती नदी जेल भिजवा दी सबको। गोमती नदी को देखिए, हर नहीं हर शहर की जो नदी होती है माता को जेल भिजवाइए, जो जो बंडर बांट में शामिल है। क्या इन्होंने कमेंट कर रहे हैं आप? किस चीज का कमेंट कर रहे हैं? सबको जेल भिजवाइए, बंडर बांट में शामिल है, सबको जेल भिजवाइए। क्यों लंबी प्रक्रिया चल रही है? नहीं, उस पर जांच आज भी चल रही है और देखिए निरंतर घोटाले पर दर पर खुला ना और कई लोग जेल जांच चल रही जो है 17 चल रही है। और रही रही भाई, बहुत लंबी जांच चल चुकी है, अब जेल भिजवाइए, समय आ गया है बंडर बांट का खेल खत्म करने का। जांच न्यायपालिका का, हम विकास की तरफ। और रही बात आपने कुकरेल नाले को, आप देखा, आपने देखा होगा कुकरेल नाले पे, गौरव भाई आप भी जान रहे हैं, आपने देखा होगा ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के सहयोग से, आपने देखा होगा उस कुकरेल नाले के किनारे किनारे जो बंदे कटे रहते थे, जहाँ जानवर छुट्टा जानवर घूमते रहते थे, आज आप देखना होगा कि किनारे किनारे कितना बढ़िया रोड पास है। आपको अगर खुर्रम नगर से गोमती नगर जाना है तो आप जा सकते हैं, कनेक्टिविटी में परिवर्तन कर दिया। और रही बात आप कुकरेल नाले की बात कर रहे हैं, कुकरेल नाले के भी चहुंओर विकास की धारा बही है, इस बात से आप गौरव भाई इनकार नहीं कर सकते हैं। अच्छा। कोई भी आदमी जो कुकरेल कहता था जहाँ जो है सारी गंदी नाली के कीड़े गंदी नालियां मिलती थी, आज कुकरेल नाले का भी विकास हो रहा है और उससे लगे हुए आपने देखा होगा, उम्मीद करें जल्दी होगा जा रहा है, आप देखिएगा। मैं उम्मीद करूंगा वहां काम हो रहा है, मुझे देखा मैं वहां काम हो रहा है, पर उम्मीद करूंगा कि प्रक्रिया जल्दी खत्म होगी, कुकरेल नाला जो नदी थी पहले दोबारा नदी में तब्दील हो जाएगी। ठीक है रविन भाई, आप मुस्कुरा रहे थे मेरी बात पर, क्या हुआ? मैं उनकी भाषा पे, भारतीय जनता पार्टी वाले के प्रवक्ता की भाषा पे मुस्कुरा रहा। अच्छा, भाषा मुस्कुरा रहे थे, प्रशिक्षित उस भाषा का प्रयोग करने के लिए। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो लखनऊ नगर निगम है ये पहले वित्तीय रोना रो चुका है, घोटाला हो चुका है, कर्मचारी को आधा कर दिया है। देखिए वित्तीय रोना रोना नहीं था, 28 साल से विकास चल रहा है और आप अपने घर में डेली सफाई करते हैं, इस बात को मान लीजिए, सफाई लगाम लगाइए। मैं पिछली बार भी कह दिया, बोल लेने दीजिए भाई,
उनको भी बोलने दीजिए, बोलिए रमन भाई बोलिए। अगर इनको ज्यादा कीड़ा है तो इनको बुलवाया करिए जी। अरे कोई कीड़ा नहीं, कीड़ा वाली बात नहीं, आप गलत बात करते हैं। जी इतने बड़े प्रतिष्ठित चैनल का प्रतिष्ठित पत्रकारों के सामने कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे अनर्गल बातें मत करिए, सत्य विहीन बातें करते हैं, जनता को भरमाइए नहीं आप सत्यों के साथ। चुप रहिए जी, जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं तो बकवास करते हैं जी। हाँ तभी 28 साल बाद जनता ने आपको जो है कमरे में सुला दिया, पैसे की 28 साल बाद जनता ने 80 पार्षद जिता दिए, यही जनता का आशीर्वाद। आप लोग तो अभी अभी नदी की बात कर रहे थे, उकरैल नदी की बात कर रहे थे जी। 2017 के जून में जी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे जी गोमती नदी के पास में, उन्होंने आचमन किया, पानी फेंक दिया। अच्छा, गोमती जी में अपना एक बूंद पानी नहीं है जी, लखीमपुर से निकली हैं, आज गंगा भी बोलते हैं हम लोग उनको, बिल्कुल उनमें एक बूंद अपना पानी नहीं है, जो भी पानी है सब नाले का सीवर का है जी। तब 2017 से पहले की भी तो बात कर लीजिए, आप बोलिए गोमती नदी को रिवर फंड के नाम पे लूट पाट कर लीजिए। फिर आपको बहुत कठिनाइयां होंगी जब मैं आपसे जो अगर अगर आपको तहजीब नहीं है तो आप उठ के जाइए या बोलिए तो मैं उठ के जाऊँ। नहीं नहीं कोई जाए, रमन भाई बात पूरी करिए, बोलिए रमन भाई, बोलिए रमन भाई प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम शारदा नहर को लाके इसमें साफ पानी करेंगे, और वो चूंकि पीठाधीश्वर भी हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि आज गंगा को हम इसमें स्वच्छ पानी लेके आएंगे। आज के डेट में तक एक बूंद स्वच्छ पानी नहीं है आदि गंगा में, मतलब गोमती जी में जी। अब लखनऊ का जो वाटर लेवल आता है, लखनऊ का वाटर लेवल अब गिर के लगभग 120 फीट पहुंच चुका है जी। और लखनऊ का गोमती नदी का बेड देखते हैं तो गोमती नदी के बेड से, मतलब गोमती नदी बोले हैं तो गोमती नदी में जो भी पानी है वो सीवर का पानी है जी। गोमती नदी के बेड से और जो प्रेजेंट वाटर लेवल है उसमें कहीं 40 फीट, कहीं 80 फीट, कहीं 100 फीट, ये डिफरेंस है। मतलब जो जो वाटर लेवल अवेलेबल है लखनऊ वालों के लिए जी, उसमें वो जो पानी रिसके जा रहा है जो सीवर का पानी है लीजिए, तो वो 17 के वादे इरादे क्या हो गए जी। अब ये बीच में टांग अड़ा रहे थे, आदत है इनकी, हमने सब काम खराब किया, हम बाहर हैं जी। आपने 6 साल में क्या कर दिया ये आप बता के लिखवा दीजिए, और अखबारों में निकलवाने का शौकीन है आप लोग, तभी आपके बीच पार्षद हार गए, वोट टंगवा दीजिएगा, और जनता ने जान लिया कि आपके प्रतिनिधि खाली नगर निगम में लूट मचा रहे हैं, पंगा मोल ले रहे हैं, काहे पंगा मोल ले रहे हैं, लेना है क्या जी, लेना तो बता दीजिए साहब। नहीं नहीं कोई नहीं देना, बोलिए बोलिए बोलिए। तो एक नदी 6 साल में नहीं साफ कर पाए जी, गोरक्ष पीठाधीश्वर जिन्होंने उसको माँ आदि गोमती बोला था जी, फिर ये 500 नालों को क्या साफ करेंगे। अच्छा, इनके पास तो आदमी ही नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक, जो आदमी थे उनकी छटनी कर दी, पूरा उत्तर प्रदेश उनका पीएफ खा गया, चौमुखी विकास हो रहा है, इसको बोलने का रोग है, अच्छा ये आदमी बोल ले, मैं चुप हो जाता हूँ, रमन भाई हो गया, रमन भाई हो गया, रमन भाई हो गया, रमन भाई हो गया, समय का भाई, रमन भाई हो गया, रमन भाई मेरे 28 साल हो गए, काम करके आ रहे जनता जनता विकास भारतीय जनता पार्टी करती है, ना बोलने का तरीका हो, न संवैधानिक परिस्थिति का जनता ने कह दिया, जनता पार्टी में फिर कर रहा हूँ, फिर तकी बोलेंगे, तकी बोलेंगे, तकी भाई चैनल कट समय खराब करते हैं जी अपने, और ये बीजेपी का समय ये आदमी खराब करता है जी। चलिए इसको बीजेपी क्या उसने देखा नहीं कि मैंने नहीं बोला, चलिए तकी बोल रहा, तकी बोल रहा, तकी बोल रहा, सही मोहम्मद तकी बोल रहा है, किस बात का है, ठीक है तकी बोल, बोलिए तकी, अगर आप मेरी मुझे बात रखने का मौका दे तो बहुत बहुत जी। देखिए एक शेर भी है, दो लम्हों चंद लम्हों की बारिश सारी सरकारी दावों की पोल खोल देती है। अच्छा, हम कुछ नहीं बोलते मगर ये सड़कें बोल देती हैं। अच्छा अच्छा, अभी जो आपने देखा जो हाल हुआ था बारिश के दौरान, चुनाव के दौरान क्या हाल था देश का। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी जो बीमारी पहले गांव में होती थी या चरवाहों की होती थी या बाहर होती थी, अब वो ट्यूबरक्लोसिस की बात शहरों में हो रही है, शहरों में हो रहा है, सही से उनके रहने में काफी बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, और बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में खराब नहीं करेगा, बारी बारी बोली, बारी बारी बोली, समय कम है, आखिरी 2 मिनट बचा हुआ, बोलिए ताकि मैं जल्दी बोलूं, जल्दी बोलूं, बीजेपी जो इतनी ताकत में है
केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, पिछले कई सालों से लगातार मेयर की सरकार है, और ये बीजेपी जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली पार्टी कहती है, सबसे बड़ी पार्टी कहती है, छोटे छोटे जनता के मुद्दों पर हार जाती है। ठीक है, छोटे मुद्दों पर हार जाती है। रमन भाई आखिरी कमेंट आपका, जनता की बात करती है, प्राइम टीवी छोड़ना नाम है, मुस्कुराता है, देखिए कितनी बेशर्मी की मुस्कुरान है इस आदमी के मुंह पे जी, महिला को बोलने नहीं देगा, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को नहीं बोलने देगा ये। रमन भाई नाराज है आपसे, बताइए देशबंधु भाई, गलत भाई, सुन लिया करिए, उनको भी मौका दिया करिए, सबको बोलना है, वो भी मैंडेट लेके बैठे हुए भाई, 110 विधायक उनके भी हैं। रमन भाई बोलिए, आखिरी कमेंट बोलिए रमन भाई जी, शांत है वो, बोलिए रमन भाई, नाराजगी छोड़ दीजिए, चलिए जी रमन भाई बोलिए, रमन जी कमेंट बोलिए, उसी से बुलाइए जो बैठा हुआ है, इसके पेट में दर्द हो रहा होगा, इसी से बुलाइए, ये बोले, ये नहीं बोलेंगे आप, बोल दीजिए आखिरी कमेंट दे दीजिए, खत्म करने में, अब मेरा ये कहना है कि अभी बरसात आने वाला है जी, तो बरसात आने के बाद में हर साल ऐसा है, पिछले 8 साल से चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, कोई भी प्राइवेट से लेके सरकारी अस्पताल ऐसा तक नहीं रहा जो फुल नहीं हो गया जी, पिछले कोविड के बाद से इन लोगों ने राम मनोहर लोहिया को जी पेमेंट पे कर दिया, जहां हम लोग फ्री इलाज करते थे जी, जी। और केजीएमसी के सारे टेस्टों को इन लोगों ने जी उस पे दे दिया, क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट पे जी, और वहां पर दलाली पूरी तरीके से चलती है जी। तो दो विषय है कि ये चारों रोग पनपने ना पावे जी, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये रोग पनपने ना पावे, और अगर पनप जाते हैं अकड़मता से, तो इनके इलाज की सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए जी, और वो मुफ्त इलाज होना चाहिए, जहां हम लोग मुफ्त इलाज दोनों जगह देते थे, दोनों जगह पेमेंट में इलाज हो गया है, तो इलाज वो मुफ्त में होना चाहिए, ठीक है हो गया। और अगर ऐसा नहीं होगा जी, ये चाहे जीत के आते रहेंगे जी, लेकिन जो जनता की बददुआएं लेते रहेंगे, तो जैसे घट के 5 राज्य में आ गए हैं, वैसे वही स्थिति यहाँ होगी, जैसे उत्तर प्रदेश ने इनको नकार दिया, ठीक है, हमारी वोट 4% बढ़े, हम सीटें नहीं पा पाए ज्यादा अपने एरिया, ये 30% वोट पाए हैं, इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती, आज तक उत्तर प्रदेश में कभी भी भारतीय जनता पार्टी 30% वोट नहीं पाई, तो यही इनके समान आता रहेगा, तो जनता के हित में काम करना शुरू करें, बीच में उंगलीबाजी ना करना शुरू करें, विपक्ष को विपक्ष माने, ठीक है अब बोलने से नहीं रोके, कम से कम एक महिला का सम्मान करना सीखे। अजरा मोमिन बोलिए आखिरी कमेंट, अजरा मोमिन आखिरी कमेंट जी, क्या उम्मीद करते हैं? नहीं देखिए, इसमें अगर कुछ सजेशन जा रहा है तो भाजपा के जो मौजूदा सरकार है इनको संज्ञान में लेना चाहिए, और राय आ रही है तो उस अपनी जो कमियां रह गई हैं, ये नहीं कि उस पर बहस करें, उस पर नाराजगी जाहिर करें, उन कमियों को दूर करने के लिए उन सजेशंस को जो आ रहे हैं तो उस पर गौर करने की ज़रूरत है, कि आने वाले जो जनता को, जो पब्लिक को दिक्कतें हो रही हैं उससे उन्हें निजात मिले। मेन काम आपका ये है कि आप पब्लिक को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जनता आपको चुन के बहुत अच्छे से लेकर के आई है, तो आपको बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जनता के लिए आप कितना खरा उतर रहे हैं आपको ये भी मायने रखता है। आप इसलिए खाली नहीं आ गए हैं कि आप खाली बोलिए और जो आपकी कमियां रही हैं तो उसको छुपाने का काम कीजिए, बिल्कुल मत छुपाइए, आप कहिए हाँ कि हाँ इस जगह कमी मैं उसको ठीक करूंगा, लेकिन आपने अपनी इतनी देर की चर्चा में मैंने देखा सिर्फ आप नाराज होते रहे और उन कमियों को छुपाने का काम करते रहे, कोई आपने ये नहीं कहा कि ठीक है हमको फिर मौका मिला है तो हम अब और बेहतर करेंगे, तो मुझे लगता है बेहतर करने की सोच रखनी चाहिए जिससे जनता त्राही त्राही ना करे, क्योंकि अगर जनता त्राही त्राही करेगी तो आज आप हैं कल आपको हटाने का भी काम कर सकती है। ठीक है, आप सभी के इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद, तो यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी, यहाँ पर जो बरसात आने वाली है उसके बाद जल भराव समस्याएं और संक्रामक रोग फैलने की स्थिति, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो बड़ा सूबा है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में यहाँ पर दिक्कतें आती रहती हैं, पर अगर हम जल भराव को रोक लेंगे, अगर हम नालियों को रोक लेंगे वो नहीं बच बचाएंगी, अगर हम गंदगी को ख़त्म कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां फैलती हैं, चाहे वो डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे मलेरिया हो, क्योंकि सारी बीमारियां यहाँ पर मच्छर जनित बीमारियां हैं, और मच्छर जनित बीमारी जब भी होती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान आम जनता को होता है, इंसान को होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं
अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चर्चाओं की, अगर हम बात कर रहे हैं राजनीति की, तो शायद यहाँ पर कुछ चर्चाएं ऐसी भी करनी पड़ेंगी जिसको लेकर आम जनता को यहाँ राहत महसूस होगी। आप टैक्स लीजिए, आप वाटर टैक्स लीजिए, पर पानी स्वच्छ मुहैया कराइए और सफाई पूरी रखिए। जनता ने आपको मैंडेट दिया है, जनता को ने आप पर भरोसा जताया है, उस भरोसे को कायम रखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, राजनीति अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। काम को राजनीति में मत लाइए और राजनीति में काम को मत लाइए। अगर जनता की जनार्दन की बात रखेंगे, जनता जनार्दन की खुशियों के लिए काम करेंगे, जनता जनार्दन को सहूलियत देंगे, तो ये मैंडेट जो अभी आपको मिला है फिर मिलता रहेगा और मेयर सीटें आप जीतते रहेंगे। पर कहीं ना कहीं अब जनता के लिए आपको सोचना पड़ना जरूरी है। जनता आपकी है, जनता ने मैंडेट आपको दिया है, तो राजनीति इतर, जनता अभियान के इतर, रैलियों से इतर कुछ मेहनत नगर निगमों पर कर दीजिए, सफाई पे कर लीजिए, पानी पे कर लीजिए, जल भराव पे कर लीजिए और संक्रामक बीमारी फैलने के लिए कर लीजिए, क्योंकि इनसे परेशान जनता ही होती है और जनता का अगर नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है और शायद विपक्ष की भी है जो अब तक केवल और केवल आरोप लगा रहा है। जुड़े रहिए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए और जनता के लिए लड़ाई करिए। और आप लड़ाई नहीं करेंगे तो हम जैसे खबर एनबीस की जिम्मेदारी है और प्राइम टीवी इसकी लड़ाई करता आया है और करता रहेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।